देश की राजधानी दिल्ली के युवाओं की नसों में नशे का जहर घोलने की एक बड़ी साजिश चल रही थी, जिसको गाजियाबाद और दिल्ली पुलिस ने मिलकर संयुक्त रूप से नाकाम कर दिया। दरअसल गाजियाबाद के मसूरी में पुलिस ने करीब 4 करोड़ रुपए कीमत की चरस के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम संजीत और अंकुर है, जो दिल्ली के रहने वाले हैं। काठमांडू से ये 4 करोड़ रुपए कीमत की चरस दिल्ली ले जाई जा रही थी, लेकिन मसूरी में हाईवे के पास पुलिस ने चेकिंग के दौरान गाड़ी बरामद कर ली, जिसमें चरस भरी हुई थी। दिल्ली पुलिस की सूचना पर ये कार्रवाई की गई। ये एक बहुत अच्छी सफलता मिली है थाना मसूरी पुलिस को। एएसपी साहब के निर्देशन में ये पूरा ऑपरेशन हुआ। इसमें दिल्ली पुलिस के माध्यम से सूचना मिली थी कि कुछ एक तरह का एक बड़ा कंसाइनमेंट जो चरस का है वो मूव हो रहा है, नेपाल से आ रहा है काठमांडू के साइड से, और आगे फिर ये सहारनपुर और फिर ये वहाँ से किसी और को दिया जाता और वहाँ से फिर ये ट्रांसफ़र होने वाला था अन्य राज्यों में। तो इस सूचना के आधार पर थाना मसूरी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और टीम बना के जब हम लोगों ने चेकिंग शुरू की तो उसी दौरान ये गाड़ी पकड़ में आई, जो कि रेनो डस्टर है, जिसका नंबर इन्होंने चेंज कर दिया था। और उसी गाड़ी में लगभग 105 किलो के आसपास चरस हमको बरामद हुई है। ये छोटी छोटी ब्रिक्स हैं लगभग आधा आधा किलो की, ये सभी लगभग इसमें ब्रिक्स हमारी बरामद हुई हैं। इस पूरे कंसाइनमेंट की जो चरस की जो कीमत है वो लगभग मार्केट में 3.5 से 4 करोड़ के लगभग होगी, क्योंकि 1 किलो का दाम लगभग 3 लाख से 4 लाख रुपए के बीच में होता है। तो उस हिसाब से लगभग 4 करोड़ के आसपास की कीमत की ये चरस है और बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त की दिल्ली पुलिस के इनपुट पर एएसपी साहब की टीम ने और थाना मसूरी पुलिस। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़े 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिन्होंने सहारनपुर में काठमांडू से आई चरस की डिलीवरी ली थी। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से मामले की पूछताछ कर रही है। गाजियाबाद से नवोदय टाइम्स के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट।